अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर फिरोजाबाद पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर तंज कसा और उन्होंने कहा, मैंने अपना जीवन जिया, उस दृष्टि से राजनीति कर सकता हूं। उन्होंने कहा, सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, पूरी तरीके से फेल है। राज्य सरकार विशेष करके लोगों में पुलिसिया भय व्याप्त करने का काम कर रही है, पुलिस के डर का माहौल पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सबका साथ है वह तो इनको कुछ हद तक मिल रहा है। सबका विकास ही है, सब शब्द का मतलब समझ से बाहर है, सबका विकास नहीं किए हैं और बाकी मुझे नहीं लगता कि आम नागरिक का कोई विकास हो रहा है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम अपनी राजनीतिक पार्टी को जो भी चुनाव हुआ करेंगे उनमें हम प्रतिभाग करेंगे। हम अपने आप को एक सोशल मूवमेंट भी मानते हैं। हम लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों का अधिकार भाव जगाने के लिए अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार करने का काम कर इससे बड़ी पार्टी नहीं है। हमें प्रत्याशी मिल रहे हैं, प्रत्याशियों को हम लड़ा रहे हैं। हमने मैनपुरी लोकसभा प्रत्याशी उतारा है, आगामी नगर निकाय चुनाव होंगे वहां अब अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने का काम करेंगे। 2024 से अमिताभ ठाकुर ने बलिया से लड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए हम लगातार बलिया में आना जाना और बलिया में अपनी टीम बनाने का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। देखिए फिरोजाबाद से अमलेश राजपूत की खास रिपोर्ट है स्केच न्यूज। दो हजार के चुनाव को मैंने बलिया से लड़ने का निर्णय लिया है, हमारी पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है और इसके लिए हम लगातार बलिया में आना जाना और बलिया में अपनी टीम बनाने का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व काफी हद तक है, जहाँ विपक्ष शून्य की तरह नजर आता है, खामोश है, ऐसी परिस्थितियों का किस तरह से आप सामना करें? देखिए, हम किसी भी तरह से आज के समय भारतीय जनता पार्टी के सामने और तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियों के सामने कहीं नहीं उतरते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि एक टिमटिमाता हुआ दिया भी अंधेरे के लिए बहुत होता है, हम अपने आप को वह प्रकाश पुंज मानते हैं, वह छोटी सी ज्योति मानते हैं जो सच्चाई और ईमानदारी की न सिर्फ बात करता है बल्कि उस दिशा में चलना चाहता है। अतः देश और समाज को अधिकार सेना जैसी पार्टी की नितांत जरूरत है, जो न सिर्फ सिद्धांतों की बात करती है, उस पर चलना भी चाहती है। और इस रूप में हमें विश्वास है कि हमारा किसी से मुकाबला इसीलिए नहीं है कि वो बड़ी पार्टियां हैं, हमारी छोटी शुरुआत है, लेकिन लोगों तक लोगों के अधिकारों की जागृति हम कर पाएँ, अपनी पार्टी के मूल सिद्धांतों को पहुँचा पाएँ, हम वर्तमान में उसी को अपनी विजय मान रहे हैं। देखिए, सरकार ने मुझे जबरिया रिटायर कर दिया और उसके बाद समाज को मैं किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, उसमें मैंने यह पाया कि राजनीतिक रूप से सक्रियता करते हुए जिन आदर्शों के लिए मैंने अपना जीवन अब तक जिया, उस दृष्टि से मैं राजनीतिक दृष्टि से लोगों की पूरी सेवा कर सकता हूँ और हमने राजनीति में आने का निर्णय लिया। क्या समाज में आप कमी मानते हैं सरकार की तरफ से, क्या पूरा करना चाहिए? सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कई मामलों में पूरी तरह फेल है। आर्थिक स्थितियों से हम सभी वाकिफ हैं और राज्य सरकार विशेष करके जो हमारे आम नागरिकों के अधिकार हैं उनका हनन करना, लोगों में पुलिसिया भय व्याप्त करना, पुलिस के डर का माहौल पैदा करना, इस प्रकार के तमाम कार्य राज्य सरकार कर रही है और उनके आधार पे स्वयं को सफल बनाने और सफल बताने का कार्य कर रही है, जो पूरी तरह असत्य है। इन बिंदुओं पर अधिकार सेना अपना प्रतिवाद करते हुए आम लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने का कार्य करना चाहती है और कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का की बात कहती है, इसे आप कहां तक उचित मानते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सबका साथ है वह तो इनको कुछ हद तक मिल रहा है। सबका विकास, यहां सब शब्द का मतलब चार छः घराने और दो चार घर रह गए हैं, जो कई लोग हम दो हमारे दो की बात कहते हैं, वो सबका विकास यह है। और बाकी मुझे नहीं लगता कि आम नागरिक का कोई विकास हो रहा है,
लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हालात बदतर होते जा रहे हैं, और यह बात कोरोना के समय की जो स्थितियों थी उन्होंने इन बातों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। आपकी आवाज़ पर लगी हुई नेम प्लेट क्या है, बड़ी चर्चा का विषय है, उसका क्या कारण? देखिए, मुझे सेवा से रिटायर किया गया, वह पूरी तरह जबरिया था। उस तरह का रिटायरमेंट तब होता है जब आदमी बीमार हो, मानसिक शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो। मैंने तो मानसिक रूप से वर्तमान में अस्वस्थ हूँ, न शारीरिक रूप से, फिर भी मुझे सेवा के योग्य नहीं बताते हुए भगा दिया गया, तो मैंने जबरिया रिटायर लिखा। फिर उन्होंने, मैंने यह सोचा कि मैं एक एडवोकेट भी हूँ, और उस रूप में कहिए मैं बेसिकली जो लोगों की मदद करती हूँ, तो वो एक तो मानवाधिकारों के उल्लंघन का जहाँ मामला होता है, या फिर जहाँ व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार है, तो उस दिशा में काम करती हूँ। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व दोनों जीवन के लिए ज़रूरी हैं, शासन सत्ता के लिए ज़रूरी है, और जहाँ उन दो चीज़ों की कमी होती है, या तो अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है, जो काम करना है वो नहीं करते, उन मुद्दों को उठाती हूँ। साथ ही जहाँ लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, या उनके जो विधिक अधिकार हैं उनको नहीं मिल रहे हैं, उनके प्रति कोई अन्याय हो रहा है, तो उन मुद्दों को मैं उठाती हूँ। आपके इस कार्य में किसी तरह का कोई बाधा भी महसूस होती है? देखिए, पहले जब मैंने शुरुआत की उस समय तो ऐसा नहीं महसूस होता था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जब जो मुद्दे मैं उठाती थी और उनमें ताकतवर लोगों पे उसका असर पड़ने लगा, उसके बाद से काफ़ी परेशानियां हुई। और मैं ये मानती हूँ कि मेरे पति की जो भी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई, या तमाम कई सारे पहले भी कई मुकदमे दर्ज किए गए, मेरे ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज किए गए जो गलत थे, फर्जी थे, कोर्ट ने भी उन पे जो मुकदमा लिखाने वाले थे उन पे कार्रवाई की। कुछ मुकदमे हैं अब की सरकार द्वारा दर्ज कराए गए हैं, वो न्यायालय में हैं, तो उस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो केवल हमारे बोलने, और जो हम सही बोलते हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं उनको सामने लाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि वो उसके इनाम के रूप में ही हमें दिए गए।